पॉल्यूशन और ये जो पराली का खास तौर से है, ये केवल और केवल दिल्ली की समस्या नहीं है। हम हर बार इस समय बात करते हैं कि साहब ये पराली का जो पॉल्यूशन है ये दिल्ली की देन नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है। देन की भी बात नहीं है, समस्या की भी है कि खाली दिल्ली को प्रभावित कर रहा है, ऐसा नहीं है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया को प्रभावित कर रहा है। अफसोस की बात यह है कि केंद्र सरकार ने पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन को और खासतौर पर पराली के पॉल्यूशन को नीचे लाने के लिए कोई काम नहीं किया। पूरे साल हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। इसका नुकसान सिर्फ दिल्ली को नहीं उठाना पड़ रहा, दिल्ली के लोगों को नहीं उठाना पड़ रहा, इसका नुकसान, केंद्र सरकार की इस निष्क्रियता का नुकसान पूरे नॉर्थ इंडिया के लोगों को उठाना पड़ रहा है। अब इसका धुआं आने लगा है, हम सबको परेशान कर रहा है। आज पॉल्यूशन के साथ साथ में कोरोना का भी खतरा है, तो पॉल्यूशन प्लस कोरोना मिलके लोगों के लिए और जानलेवा खतरा बन गए। अब आज सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए नहीं बने, ये पंजाब के किसी गांव में रहने वाला किसान जिसके गांव में धुआं जल रहा है, उसके लिए सोचिए कितना खतरा है, उसके परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके घर के बुजुर्गों के लिए कोरोना का भी खतरा है। और ऊपर से दिल्ली आते आते तो फिर भी कह सकते हैं कि पराली का धुआं थोड़ा डिफ्यूज ही होता होगा उसकी इंटेंसिटी, लेकिन उस गांव में, जिस गांव में आग लग रही है, उसमें रहने वाले उस किसान के, उस मजदूर के परिवार का, बेचारे का क्या हाल होगा, मुझे उसकी भी चिंता है। लेकिन केंद्र सरकार को नहीं, केंद्र सरकार पूरे साल हाथ पे हाथ रखे बैठी रहती है और इस समय आके कुछ कुछ मीटिंग करती है, उसके बाद में फिर अगले पूरे साल कुछ नहीं करती है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आपको भूमिका निभानी पड़ेगी पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन को कम करने में, और वहां की राज्यों को भी जहां ये परेशानी है, आप अपने नागरिकों की तो सोचिए, वहां के रहने वालों की तो सोचिए। मैं एपका से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक बार सारी चीज़ों को इस नज़रिए से देखें कि क्यों पूरे साल बाकी सरकारें, केंद्र सरकार हाथ पे हाथ रखी बैठी है। क्या एपका जैसी संस्थाएं भी केंद्र सरकार से पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए कुछ एक्शन लिवाने में फेल हो गई हैं? क्या हरियाणा और पंजाब की सरकारों से कोई एक्शन लिवाने में, कोई कार्रवाई, कोई उस तरह की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने में जिससे वहाँ के किसानों को भी नुकसान ना हो और वो भी पॉल्यूशन से बच सकें, और दिल्ली के लोग भी, उत्तर प्रदेश के लोग भी, हरियाणा के लोग भी, राजस्थान के लोग भी, और तमाम राज्यों के जो नॉर्थ इंडिया के पॉल्यूशन के शिकार हो रहे हैं वो बच सकें? तो क्या एपका भी फेल हो गई है इन सरकारों से कुछ कराने में, पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन को कंट्रोल कराने में, सरकारों की भूमिका तय करने में? अभी तो ऐसा ही लग रहा है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरे नॉर्थ इंडिया के इस समस्या को, और ख़ासतौर से इस समय जबकि पॉल्यूशन और कोरोना दोनों का खतरा बहुत ज़्यादा हमारे सबके सर पे है, बहुत जानलेवा स्थिति हो सकती है इस बार, ये इस पे सारी सरकार मिलके, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए निभाए, यही मुझे। सर, आपको लगता है कि हालात जो है वो पहले जैसे ही बन गए? पहले भी शुरुआती दौर में आप लोग लगातार केंद्र सरकार से बात कर रहे थे, आप पूरा ठीकरा जो है उन पे फोड़ने की बात हो रही है? नहीं, ठीकरा तो फोड़ना ही पड़ेगा, अगर मैं तो कह रहा हूँ जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी ना केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार है किस लिए? अगर पूरा नॉर्थ इंडिया पॉल्यूशन का शिकार होता है और कोरोना के इस समय में, ये तो सबको पहले से पता था कोरोना है, कोरोना सर्दियों के बीच पहुंचेगा, पॉल्यूशन भी बढ़ता है सर्दियों में, तो पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या हो रही है। तो पूरे साल हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं, दिल्ली सरकार की ई व्हीकल पॉलिसी से लेके, बस पे काम करने से लेके, पिछले साल लगातार काम हुआ, ग्रीन कवर बढ़ाने पे लगातार काम हुआ और बढ़ा है, उसके रिजल्ट्स आए हैं। दिल्ली सरकार ने जो जो इनिशिएटिव लिए उनके लगातार पूरे साल इनिशिएटिव के रिजल्ट आते हैं, लेकिन केंद्र सरकार फिर पूरे साल हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है, कुछ करती नहीं है पूरे नॉर्थ इंडिया में। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन करने के लिए काम करे, क्यों नहीं काम करती है वो? क्यों सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है और सिर्फ जब मीडिया में थोड़ा शोर मचता है पराली के धुएं का तो कुछ कुछ मीटिंग कर लेती है, उसके बाद फिर पूरे साल शांत बैठी है? नहीं, अपने राज्य से निपटने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत है, जो दिल्ली में उठाए जा सकते हैं, वो हम लगातार उठा रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि हम दो महीने या एक महीने में कुछ रोक देंगे इसको, दिल्ली के जो रीजन्स हैं उनको नीचे लाने में लगातार उठा रहे हैं और उसमें सफलता मिली है, आज इस बात को सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। लेकिन इस पराली के समय पे जो केंद्र सरकार को भूमिका निभानी चाहिए इसको रोकने के लिए पूरे नॉर्थ इंडिया में, अभी आप देखिएगा, अभी दिल्ली में बढ़ रहा है, दिल्ली के बाद नीचे बढ़ते 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 कानपुर बिहार तक पहुंचेगा। सर, दिल्ली सरकार आप कह रहे हैं कदम लगातार उठा रही है, उसके बाद भी एयर क्वालिटी खराब होती जा रही है, तो क्या ये पूरी जिम्मेदारी आप केंद्र सरकार की?
अभी जिस वजह से हो रही है उसमें तो पूरे नॉर्थ इंडिया में हो रही है। अगर खाली दिल्ली दिल्ली का होता, दिल्ली दिल्ली के जो कारण है उस पर दिल्ली ने खूब काम किया है और सफलतापूर्वक किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने बिल्कुल कुछ नहीं किया इस पर। सर इससे थोड़ा सा अलग दो अस्पताल ऐसे जिनमें से एक पहले कोविड अस्पताल भी था जहाँ पर डॉक्टर नर्सेस की सैलरी नहीं मिल रही। कल से कस्तूरबा गांधी एक हफ्ते के लिए स्ट्राइक पर जा रहा है। ऐसे में एमसीडी को लेकर जो आप लोगों ने पत्र लिखा है क्या है, किस तरीके से डील है? मुझे लगता है इस पे हेल्थ मिनिस्टर पूरी तरह से देख रहे हैं और वो कह भी यूडी मिनिस्टर भी हैं वो उस पर कह भी चुके हैं कि भाई अगर एमसीडी से अस्पताल नहीं चल रहे तो दिल्ली सरकार को दे दे। जबरदस्ती ये सेंस ऑफ ओनरशिप और बिलोंगिंगनेस के पजेसिवनेस के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं, वी अंडरस्टैंड, फिर हम करेंगे अपनी जिम्मेदारी। जो समस्या आ रही है अस्पताल को, जो बार बार नगर निगम कह रही है कि उनको फंड नहीं दिया जाता, कि वो सैलरी देके फाइनेंसिस की जो समस्या, अगर दिल्ली सरकार संभाल ही सकती है तो क्यों नहीं नगर निगम को फंड दे सकती, अगर वो सैलरी दे सकती हो ना? मेरे पास में भी तो पैसा चाहिए ना, मुझे, मैं केंद्र सरकार से पैसा मांग रहा हूँ, कंपनसेशन पूरा नहीं दे रही है। 16,000 करोड़ रुपए मिलना चाहिए दिल्ली सरकार को, अभी पैसे ही नहीं दे रहे हैं। सर एक शिक्षा से जुड़ा सवाल है, एक ऐसा नॉर्मली कि जो सीबीएसई ने एक तरह से आप लोगों ने कह दिया कि सीबीएसई के जो सरकार इस बार नहीं पे कर पाएगी, कई ऐसे बच्चे हैं जो पैसे ना होने के कारण क्योंकि कोविड में नौकरी चली गई या इनकम उनका कम हो गया, वो एग्जाम ना देने में, रजिस्ट्रेशन ना कराने में वो नाकामयाब हो रहे हैं। इसको लेकर कई छोटे ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे बच्चे, 8 साल का बच्चा भी क्राउड फंडिंग लेकर आया है। सरकार को नहीं लगता कि कुछ, खासकर 12th क्लास के जो बच्चे जिनका करियर अब आगे शुरू होगा, कुछ मदद करनी चाहिए सरकार को? सरकार को तो ओवरऑल लगता है, इसीलिए सरकार ने पिछले साल ये कदम भी उठाया था, लेकिन जैसा मैंने आज बताया कि, और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि आज मेरे लिए प्रायोरिटी है कि उस बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर को पहले तनख्वाह दे दूँ। अगर उसके टीचर के लिए तनख्वाह के लिए भी पैसे नहीं दिए जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस टीचर की तनख्वाह तो सुनिश्चित करूं। आज 50% पे दिल्ली सरकार का बजट चल रहा है, 50% टैक्स करेक्शंस पे। केंद्र सरकार से कह रहे हैं, केंद्र सरकार अपने हाथ झाड़ ले रही है कि जी हम क्या करें, एक्ट ऑफ गॉड में चली गई है वो। कल केंद्र सरकार ने सारे राज्यों के लिए लोन जारी किया, उसमें भी दिल्ली सरकार को लोन नहीं दिया, वो लोन दिल्ली सरकार को और पुदुचेरी को नहीं दिया जा रहा क्योंकि यूटी है। तो क्या ये लॉकडाउन इसका इंपैक्ट ये देख के आता है कि कौन यूटी है और कौन फुल स्टेट है? ये तो मदद केंद्र सरकार को थोड़ा सा लार्ज हार्टेड करनी चाहिए, बहाने नहीं ढूंढने चाहिए कि किस तरह से दिल्ली को फंड देने से रोका जाए।